खाना भी दिखा देते हैं। मटन बिरयानी है। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी हमें उड़ा देने वाला था। क्लच एडजस्ट करना पड़ रहा है भाई का, क्योंकि क्लच बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है। ये टेस्ट नहीं करेगा, बोला हम मिनिमम RC चलाता है, RC 8 के नीचे बात नहीं करता है। यार देख लो भाई लोग, सब्सक्राइब मत करो यार, अगर पहले देखो कंटेंट, अगर अच्छा लगे, सही लगे। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल 90s की डमन। कैसे हैं आप सब? तो अब हम लोग होटल पे खाने वाले हैं। देख लो, सब कोई खाना खा रहा है इधर पे। खाना ठीक है ब्रो? बढ़िया सब, बढ़िया खाना। और डीवीडी डॉप मटन कस्ता, चिकन कस्ता वाला हमारा नहीं। श्याम सुंदर चक्रवर्ती। तो खाना भी दिखा देते हैं। मटन बिरयानी है, बिरयानी खाना हो गया है। अब हम लोगों को खाना है, क्या खाना है? गुलाब जामुन। वीडियो बनाने के चक्कर में लोग रेडी नहीं रहता है हर टाइम। ये खाने वाले हैं, मैं ऑलरेडी खा रहा हूँ भाई। ये खाने वाले हैं, एक से तुम्हारा क्या ही होगा ब्रो, खाओ। ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी हमें उड़ा देने वाला था, अब इसके साथ झमेला होगा। खाना पीना हो चुका है, अब हम लोग रेडी है, थोड़ा सा रील वील बनाएंगे। एंड आपको देखना, मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम स्क्रीन पे आ रहा है, प्लीज़ फॉलो करो एंड थोड़ा सा प्यार बरसाओ। और ये बाइक में जो इशू आया था आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था, तो अब ये इशू को थोड़ा देखा जाएगा कैसा क्या है। DIY सेशन यहाँ पे चल रहा है गाइस, देख लो। KTM का जो सर्विस इंजीनियर है मैं हूँ। ये लेकिन DIY सेशन जो हमें KTM ने सिखाया था वो आज काम आ रहा है प्रैक्टिकली। क्लच एडजस्ट करना पड़ रहा है भाई का, क्योंकि क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो ठीक है, थोड़ा बहुत करते हैं, आपको दिखाते हैं, थोड़ा नॉलेज देते हैं। बाइक इज गेटिंग टेस्टेड विद अ सर्टिफाइड टेस्टर, KTM स्पेशलिस्ट आकाश दा टेस्ट करके बताएगा। देख लो, KTM का लोगो भी है सीना में। और एक तो ट्रैक स्पेशलिस्ट ये है, ये टेस्ट नहीं करेगा, बोला हम मिनिमम RC चलाता है, RC 8 के नीचे बात नहीं करता है। ओ लवली स्टार्ट, क्लच काम कर रहा है सही से। ओके डन ब्रो। कालिकापुर में अब पैकअप सीन है, थोड़ा फोटो शूट चल रहा है, भैया फोटो ले रहे हैं, हम भी लाइनअप में हो जाते हैं। लोग गियर अप हो चुके हैं, मेरा ग्लव्स उधर रखा हुआ है। भाई लोग गियर अप फॉर रेडी पर राइड। ये बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था लेकिन भाई ने ठीक कर दिया है। USB केबल मेरे पास है। तो अब हम लोग को जाना है कहाँ पे? अब हम लोग जाने वाले हैं इको पार्क। तो राइड थोड़ा लंबा होने वाला है, सेकंड राइड, लेकिन ठीक है, चलो चलते हैं। सब भाई लोग रेडी है, सब बुला रहा है। अब हाईवे में आ चुके हैं, चलो ब्रो अब आ गए हो तो चलो। नीचे से जाना था यू टर्न लेने, तो ये लोग ऊपर से चला गया, क्या बोलेगा। हम लोग निकल गए हैं हाईवे पे, थोड़ा सा घूम घुमा के आना पड़ा, मेरा बैटरी भी डाउन हो गया था। ठीक है, राइड में होता रहता है, लेकिन वैसे लाइफ बहुत इजी हो गया है। मतलब जब से मैंने 14 लिया है तो व्लॉग तो मैं अब 14 से कर ले रहा हूँ, जो फेस कैम होता है, एंड मोटो व्लॉग अपना GoPro से हो रहा है, एंड 360 तो अपने पास है ही, तो चलो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है इसलिए। अब मौसम थोड़ा ख़राब हो गया है क्योंकि अभी 2 बजने वाला है, तो एज इट इज़ सूरज देवता हम पे मेहरबान नहीं है आज, धूप ज़्यादा है, खींचने वाला माहौल फिर से हमें मिल रहा है। चेन नंबर होटल नीलाचल, और भाई लोग आगे निकल गया है, देखते हैं वो लोग को पकड़ पाते हैं कि नहीं। हम कमेंट अगर करोगे तो मुझे पता चलेगा कौन भाई रेगुलरली देखता है, तो थोड़ा एक कनेक्टिविटी का रहता है कि हाँ भाई
अपने मैं डाल रहा हूँ तो ये बंदे हमेशा ही देखते हैं, और कुछ नए लोग जो लोग भी नए हो तो मेरा कुछ प्लेलिस्ट भी है तो देख सकते हो, तो आप देख लेना जो भी कंटेंट जैसा भी सही लगेगा तो बता देना, तो मैं कोशिश करूँगा उस टाइप का कुछ वीडियोज़ आपके लिए बनाने का। जैसे मैं तो देखो नॉर्मली जो चलता है मैं वैसे ही व्लॉग करता रहता हूँ डेली बेसिस पे जो चल रहा है लाइफ में, तो ठीक है थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर लाइक एंड कमेंट आता रहे तो। आ गया हमारा दानकुनी टोल, वो छोटा सा ही राइड था, मतलब वैसे आपको लगेगा वीडियो में बहुत बड़ा था लेकिन ठीक है अब जो है सो है। यहाँ थोड़ा सा अगर भाई लोग रुकेगा तो रुकेंगे अपने। अब कोई नॉर्मल क्रूज करके जा रहे हैं क्योंकि अब हम सिटी एंटर करने वाले हैं, मतलब दानकुनी पार कर गए। टोटल आज हम लोग 11 बाइकर्स गए थे। वेलकम टू विवेकानंद सेकेंड टूर ब्रिज। हम लोग सीधा सीधा जाने वाले हैं तो देख लो गंगा आ चुका है, बहुत ही मस्त वाला फीलिंग। ये रास्ता जो भी भाई लोग कलकत्ता के वो जानते ही हैं, ये इको पार्क जाता है, मतलब ऐसे ही डल्लप रास्ता है लेकिन जाता है इको पार्क और वहाँ पे पूजा चल रहा है। देखो कोलकाता में आपको लद्दाख वाला फीलिंग देखना है तो यहाँ पे आके देखना पड़ेगा। ये सब आर्टिफिशियल है, मतलब कचरा है बेसिकली, आर्टिफिशियल तो क्या ही है कचरा। मेरे को जानना है कि ये भरते भरते जब पहाड़ बन जाएगा तो इसमें रोड बना देना चाहिए यार, एडवेंचर ट्रेल करेंगे लोग आके और क्या। आ गए हैं हम इको पार्क। वैसे इको पार्क का सीन आज बहुत भीड़ रहेगा देख लो भाई लोग को, ठीक है। हम भी एक टाइम बच्चे ही थे, ऐसे देखते थे बाइक्स तो हम मूवी में देखते थे क्योंकि उस टाइम यूट्यूब उतना था नहीं। हम लोग आ चुके हैं, ऑलमोस्ट हमारा राइड खत्म हो गया है। इको पार्क देख लो बहुत ही मस्त महफिल है, यहाँ पे एक ड्यूक खड़ा है ठीक है, एंड इधर पे पूरा केटीएम ग्रुप खड़ा है। ब्रो को देख लो, ब्रो ने सारा रील का इनिशिएटिव इन्हीं को जाता है, पीवा पहन के आए हैं एंड ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है ब्रो, राइड का मजा आया ना? मजा आया, भाई भी अब केटीएम लेने वाले हैं बहुत जल्द तो ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना ब्रो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। द बॉय इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, सो प्लीज बहुत ज्यादा है अपना, बहुत मेहनत करता है ब्रो, ये भी देख लिया भाई। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं व्यूअर्स? क्या बोलूं, मेरा यंग जनरेशन बहुत ही वीक है, मगर बंगला में बोल दीजिए, बंगला का भी हम अमीर मिस्टेक कथा बोली। अरे 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 बंगला जानी, ऑब्वियसली बंगाली था कि बंगला तो जानते ही हो ठीक है से। ब्लॉग देखिए तो दादा स्टैंडलाइन का, तुम लोग देखो भालो लगे अवश्य सब्सक्राइब कर दियो। हां सब्सक्राइब कर लेना उसका चैनल। देखो हम अभी बोलेंगे सब्सक्राइब मत करो यार, अगर देखो कंटेंट अगर अच्छा लगे सही लगे दो तीन कंटेंट देखो सही लगे तो ही सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब जनरली सब्सक्राइब करे ये हुआ जनता, जो डेडिकेटेड फैन है वही आ सकता है कि हाँ भाई को एकदम शुरू से जो पहचाना। क्या ब्रो हमको भी ऐसी चाहिए, ऐसा नहीं 10,000 सब्सक्राइबर हो गया अब बंदा कोई जानता ही नहीं किसी को, बस नाम के लिए सब्सक्राइब ठोक के निकल गया। नहीं सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, डेड नहीं चाहिए, अपने को चाहिए भाई हाँ तुमको सच में मेरे से फायदा हो रहा है तो देखो भाई, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करना होगा जरूरी नहीं, बिना सब्सक्राइब करके देख लो क्या जाता है। क्या ब्रो ऐसे ही चाहिए अपने को जेस्चर और ये प्यार चाहिए, शायद अपने भी कभी आया ऐसा प्यार। आज भी आज भी ऑब्वियसली आज भी दादा बोल दिए हैं तो दादा के स्टाइल में कुछ बोल सकते तो बोल दीजिए। आर की बोल वो आमी आज के बड़े एक्टिव इसी एक्साइटेड ओवरवेम हो गए हैं, दादा ओवरवेम हो गए हैं क्योंकि ऑब्वियसली टाटा 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 बोल दीजिए। ओके देन हमारी चैनल तो देखो अब तो टाटा।